नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राम मिश्रा। स्वागत करता हूँ आप सभी का राहत धाम पे। साथियों, बहुत गर्व का विषय है जब नित नवीन एक लीक को दूसरा कोई तोड़ता है, और आज उसी लीक को तोड़ा है रोशनी पाठक ने, जो प्रयागराज में इस समय शोध कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और इन्होंने नेट के एग्ज़ाम में इस बार 86 प्रश्न सही किए हैं हिंदी में, यानी 172 नंबर इनके हिंदी में हैं। टोटल इनके 219 नंबर हैं। तो मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है, और शायद आगे कब टूटेगा मुझे ये नहीं पता। बट खुशी की बात ये है कि पिछली बार जो टॉपर थी सची शुक्ला, उनके 75 प्रश्न सही थे फर्स्ट सेकंड पेपर में, और 37 प्रश्न सही थे फर्स्ट पेपर में। तो उनका 112-224 अंक था। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ रोशनी पाठक का। कैसे रोशनी, स्वागत है आपका। प्रणाम सर, हम ठीक हैं। खुश रहो, बहुत बहुत गर्वान्वित कर दिया आपने। पिछली बार भी मैं बहुत खुश था, मुझे बहुत खुशी है, और आपके अभिभावक को, माता पिता को भी मेरी तरफ से प्रणाम। आपने बहुत मेहनत की और मैं इतना खुश हूँ कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताओ, ये आपने इतना अच्छा स्कोर किया कैसे, सबसे पहला प्रश्न यही है। सर, बहुत सारी मेहनत लगी, जाहिर सी बात है। तो कितनी मेहनत और कितने समय तक? सर, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट जब मैंने दिया था तो ना मेरा नेट हुआ था, ना JRF हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। मेरा नेट दो प्रश्न से नहीं हुआ था उस बार। मैंने मेहनत तब भी बहुत की थी, लेकिन उस समय शायद उतना पढ़ भी नहीं पाए थे, दिमाग भी उतना विकसित नहीं था, तो नहीं हो पाया। सेकेंड टाइम मैंने जब दिया तो मेरा नेट अच्छे से हो गया, फिर से दो प्रश्न से JRF नहीं हुआ। तो इस बार फिर जब देना था तो फर्स्ट पेपर मेरा पहले से बेटर था, 30 प्रश्न पहले सही हुए थे। इस बार मेरे प्रश्न ज्यादा, मतलब कम हो गए फर्स्ट पेपर में। हिंदी में मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दे दिया, क्योंकि हिंदी में मेरा बढ़ नहीं रहा था प्रश्न, तो हमने सोचा कि हिंदी में मुझे बहुत ज्यादा फोकस होना है। तो मैंने हिंदी के लिए जितने टेक्स्ट लगे हुए हैं, टेक्स्ट की पुस्तकें जितनी लगी हुई है, मैंने सारी टेक्स्ट की पुस्तकें पढ़ी। कितनी बार सर? एक एक कहानी मान लीजिए मैंने 5-5, 6-6 बार पढ़ी। जो नाटक है मैंने 5-5, 6-6 बार पढ़े। उपन्यास मैंने एक ही एक बार पढ़े, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, आप उसको रिपीट नहीं कर सकते विद इन टाइम। तो मैंने निबंध मैंने कम से कम 6-6, 7-7, 8-8 बार पढ़े, एक एक निबंध। और सिर्फ पढ़ा ही नहीं, उस हर निबंध हर कहानी में से मैंने खुद प्रश्न बनाए। जैसे हर कहानी में से मैंने फैक्ट ढूंढे, एक कहानी से मैंने लगभग 20 प्रश्न बनाए खुद के लिए। तो ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे प्रश्न बनाए। कविता, जो आधुनिक काल में लगी हुई कविताएं थी, उस पर मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया। सारी कविताओं को मैंने पढ़ा, उसमें क्रम याद किया, छोटी जो कविताएं थी उसे पूरी रट ली, और जो बड़ी थी उसमें से मेन मेन लाइन का क्रम रट लिया। ऐसे करके मैंने खुद के लिए प्रश्न तैयार किए, एक पूरी नोट्स अपनी लिए बनाई। इसके अलावा सदृष्टि की एक बुक आती है, दृष्टि IAS की, उसको शुरू से लेकर अंत तक मैंने कम से कम 5-6 बार पढ़ डाला। उसको बहुत ज्यादा पढ़ा, वो मेरे लिए बहुत अच्छी बुक साबित हुई, और उसको अच्छे से रटा। इसके बाद कई मैंने प्रश्न सॉल्व किए, कई क्विज होते थे, क्विज सॉल्व किए, ये सब करते करते फिर जब पेपर हुआ तो फिर आपको पता था कि, मतलब एक अनुमान लग जाता है कि हमारी कमांड हो चुकी है। आपका क्या अनुमान था कि आपके कितने, एग्जाम से पहले आपको क्या लगता था कि 100 में से कितने हमारे सही होंगे एग्जाम से पहले? सर, जैसे हार्ड तो लगता ही था पेपर, लेकिन तैयारी मेरी काफी ठीक थी, और जो मैं क्विज देती थी लगभग मेरा क्विज में टॉप 3 में नाम रहता था। तो इतना पता था कि हाँ, मैं 60-70 के बीच में कर लूंगी, लेकिन ये अनुमान नहीं था, बिल्कुल नहीं था कि SC के ऊपर प्रश्न चला जाएगा। तो 70 तक हम मान के चले थे कि 70 तक मेरा हो जाना चाहिए। इस वीडियो पर नीचे बहुत सारे कमेंट भी आएंगे, क्योंकि होता क्या है कि सब लोग अपनी कैपेसिटी के अनुसार जानते हैं, क्योंकि आपको कौन जज करता है वो अपनी कैपेसिटी। आप किसी IAS से मिलोगी तो बोलेगा कर लो तैयारी हो जाएगी, अगर किसी जो तैयारी करके चला गया नहीं हुआ उससे पूछोगे तो बोलेगा बड़ा कठिन है, रिजर्वेशन होता है, ये होता है ना, दोनों अंतर होता है। तो आपने सच में जो मुकाम हासिल किया है ये बहुत अच्छा है। 86 आपने जब मिलाया तो आपको पहली बार में लग गया कि 86 सही, दोबारा फिर चेक किया? सर, मैं मतलब रिजल्ट आने तक 10 बार मैंने आंसर की चेक की है। हर रोज मैं चेक करती थी कुछ कुछ देर पर। जब पहली बार चेक की तो मेरा गला एकदम से सूख गया था चेक करते समय, क्योंकि 2 बार असफल हो चुके थे।
तीसरी बार आप पीएचडी कर रहे थे, पीएचडी करते समय बहुत प्रेशर होता है कि आप जेआरएफ हो, अगर आप जेआरएफ नहीं होते तो बहुत कठिन हो जाता है रास्ता, तो इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी था। लेकिन करते करते मेरा एकदम गला सूख रहा था, और गलत नहीं हो रहे थे पहली बार, जैसे 10 क्वेश्चन में कहीं एक गलत हो, तो ऐसे जब मैंने पूरा काउंट किया तो उस समय मेरा 108 सही हुआ टोटल, इसमें 84 उसमें 108, मतलब टोटल 108 हुआ। उसके बाद जब फाइनल आंसर की आई तो उसमें एक प्रश्न का आंसर चेंज किया गया है, गोदान वाले का, उसको मैंने ही चैलेंज किया था, तो गोदान का एक सीक्वेंस लगाने को आया था उसका उत्तर चेंज हुआ, और एक ड्रॉप का मुझे लाभ मिला, बाकी 2 ड्रॉप का मुझे लाभ नहीं मिला, तो मेरा टोटल 86 हो गया। तो 86 हिंदी में, और फर्स्ट पेपर में कितने? सर फर्स्ट पेपर में मेरा कम हुआ है, 24 सवाल ही रह गए हैं। अच्छा, और हाँ सर, मैंने पढ़ा था लेकिन बहुत, मैं जितना मैंने ध्यान दिया हिंदी में उतना मैंने ध्यान फर्स्ट पेपर में नहीं दिया, पढ़ा था ध्यान बहुत नहीं दिया, ये मेरी गलती है, मुझे उसमें ध्यान और ज्यादा देना चाहिए था, पर शायद हिंदी में मैंने इतना टाइम दे दिया कि मुझे समय ही नहीं मिला कि मैं उधर भी ध्यान दे पाऊँ। अच्छा, जब हिंदी आपने किया था, आपका पूरा बिल्कुल 2 घंटे में हो गया था हिंदी का पेपर अच्छे तरीके से? टाइम का कोई जी सर, चैलेंज? नहीं सर, मेरा जब पेपर खत्म हुआ, जब मैं टोटल करके खत्म हुई तो मेरे पास 19 सेकंड मात्र बचे थे, तो मैं दोबारा चेक भी नहीं कर पाई, ये मेरे साथ काफी अच्छा हुआ, अगर मैं दोबारा चेक करती तो शायद एक दो प्रश्न बदल देती, लेकिन मेरे पास बदलने का भी समय नहीं था, क्योंकि मैंने पहली ही बार सर जब राउंड में किया प्रश्न हल तो बहुत ध्यान से किया था, जैसे जो ABCDE कई स्टेटमेंट में आते हैं तो रफ कॉपी जो मिलती है मैंने उसमें एक एक का उत्तर लिखा, कि जैसे ए प्रश्न गलत है तो ए लिख के उसके आगे काट दिया, बी लिख के वो सही है तो सही कर दिया, ऐसे बहुत जल्दी जल्दी मैंने किया कि कोई भी प्रश्न मेरे मतलब लापरवाही से गलत ना हो जाए, कि मुझे आ रहा है और गलत हो गया, ऐसा ना हो, तो इसमें मेरा बहुत टाइम गया, लेकिन वो टाइम ऐसा गया कि फिर दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो 19 सेकेंड बचा था सर, टाइम ठीक था, पर्याप्त था, हो गया। पहले आपने हिंदी किया था ना? जी सर, पहले मैंने हिंदी किया, उसके बाद 1 घंटे में मैंने फर्स्ट फर्स्ट पेपर पेपर किया। सॉल्व किया। जी और लोगों को करना भी चाहिए, जैसे पेपर पहले हिंदी कर लो, फिर फर्स्ट पेपर अच्छे से करो। मान लो अगर छूट रहा है तो फर्स्ट पेपर में आप तुक्का लगा के जा सकते हो, चलो ठीक। लेकिन अगर हिंदी छूट गया 10 प्रश्न, तो शायद उसमें ज़्यादा प्रश्न सही हो सकते हैं और इसमें कम, तो वहाँ हमको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये आपने सही किया, मैं लोगों से बोलता भी हूँ कि पहले आप हिंदी करो 2 घंटे में, उसके बाद फर्स्ट पेपर करो बिल्कुल अच्छे तरीके से। भले आप 50 प्रश्न कर पाओ 55 मिनट में, लेकिन 5 मिनट अगर बचा, 10 प्रश्न है उस पर अनुमान ही लगा दो, वो चलेगा, बट आप बेहतर कर लो पहले। तो ये बहुत बढ़िया रहा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि लोग एक लीक पर चलते हैं। मैं आपको बताऊं रोशनी, लोगों ने क्या किया ऐसे वैसे, लेकिन सच में सच बात तो ये है कि अपनी लीक स्वयं बनानी चाहिए। आपने अपनी लीक स्वयं बनाई और आज मैं फील कर पा रहा हूँ इस चीज़ को कि जब आप अच्छा, एक बात और भी है, लोग बता देते हैं ये पढ़ लो वो पढ़ लो इतनी किताबें पढ़ लो। बात किताबों की नहीं है, बात ये है कि आप जो पढ़ रहे हो उसे आप अपना बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। जैसे आपने किया, मैं इस प्रश्न को इसलिए रिपीट किया क्योंकि जब आप एक बार पढ़ते हो तो आपकी केवल अवधारणा समझ आती है, जब आप दोबारा पढ़ते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ आता है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जब आप उसे 3 बार 4 बार या 5वीं बार पढ़ते हो तब आपको इंपॉर्टेंट हाईलाइट होने लगता है। उसके बाद जब पढ़ते हैं तो हमको सिक्वेंस से याद होने लगता है। फिर एग्जाम में क्या होता है, अगर 10 प्रश्न आ रहा है तो 7-8 हमारे सही हो जाते हैं, लेकिन उसको एक ही चीज़ को कम से कम 5 टाइम से मोर देन आपको करना चाहिए। तो ये सही बात है और लोग मेहनत करें। और बाकी आप प्रयागराज से ही हैं, प्रयागराज में ही हैं अभी, मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं आऊँगा मिलूँगा भी। बाकी आपके ग्रुप में, आपके समूह में सबको मतलब खुशी है, सब समझ गए आपने अच्छा नंबर स्कोर किया है। अभी तो जी तारीख सर, सर मचेगा बहुत इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि पिछली बार सची का था, उसके पहले शैली का था, तो लगभग स्कोर हाईएस्ट रहा ही है। तो अब आपका जो स्कोर है ये ज़्यादा तहलका मचाएगा। लेकिन पता है क्या होता है, लोगों को और करने की एक लिमिट होती है। जब एक लिमिट हो जाती है कि चलो 75 टॉपर जा रहे थे, हमको लगता है 75 तक, आज आपने जो लीक रख दी ना, अब ये लीक पाने के लिए 100 में 100 टारगेट करना पड़ेगा, तब ये अचीवमेंट होगा। जी सर, सर मैं कोई मेरी स्थिति ये थी कि मैं लीक तोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं आई थी ये सोचकर, बस मैंने ये चाहा था कि मेरा जेआरएफ हो जाए, मेरा मतलब कट ऑफ से ऊपर रहे लेकिन बस जेआरएफ हो जाए, इतना मैंने ईश्वर से चाहा था, और बहुत ज्यादा क्या ज़्यादा स्रोत की ज़रूरत है? लोग जैसे बोल देते हैं, बहुत सारी बुक्स का नाम दे देते हैं, आपने भी टॉपर इंटरव्यू देखे होंगे, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तो क्या उसकी नीड है?
या लिमिटेड सोर्स की नीड है, आपको क्या लगता है? सर लिमिटेड सोर्स की नीड है, आप उसे बार बार पढ़ें, जैसे मैं, और सोर्स सही होना चाहिए, जैसे आप ठीक सोर्स चुनें और उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करें। मैंने सोर्स के नाम पर आप चार चीजें मान सकते हैं, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो आप लगा लीजिए, और क्विज आप थोड़ा देते रहिए, जिससे आपको मतलब आप चार ऑप्शन में विद इन अ टाइम चूज करना सीख जाएंगे, भले वो प्रश्न आए चाहे ना आए, लेकिन आपको ये रहेगा कि हाँ ये वाला है इस टाइप से। हाँ, अनुमान लगाना चालू सेकंड हो जाता है। सेकंड मैंने ये दृष्टि की बुक फॉलो की थी, पूरी पूरी बुक पढ़ी। थर्ड मैंने किया जो सारे टेक्स्ट थे, इन सारे टेक्स्ट को मैंने पढ़ा, और चौथा रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास, हाँ, बस इतना ही वो मैंने देखो, पढ़ा। हिंदी साहित्य का इतिहास वो बेसिक है, पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि उससे एक वो अवधारणा थोड़ा समझ आ जाती है सूफी में क्या है कैसे। वो इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा निर्गुण अजीब लगता है, रीतिकाल थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन बाकी इंटरेस्टिंग है। और दूसरा, स्रोत में लोगों को क्या चाहिए कि यूनिट 6 के उपन्यास चाहे सेकंड हैंड ले लें, लेकिन मूल वो खरीद लें। हाँ यूनिट 7 कहानी है, चलो कहानी का क्या है, एक पीडीएफ में ही हो जाता है, मूल कहानी पीडीएफ छोटी है, लेकिन यूनिट 8 सारे नाटक खरीदें, 9 का जो मिले 10 का मूल रखें, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ने में उतना मज़ा भी नहीं आता है और ना तो हाईलाइट हो पाता है, जो भी चीज़ें हैं वहाँ नोट कर ली जाए। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आपने बता दिया, फिर भी 1 मिनट में मैं ये बताना चाहूँगा कि लोगों को जैसे क्लास कर रहे हैं तो क्लास के नोट्स को तैयार करें, प्लस मूल रखें। मूल का मतलब बहुत ज़्यादा स्रोत नहीं, मूल का मतलब जो अपने सिलेबस में लगी हुई चीज़ें हैं वो स्रोत आप रखें और उसे पढ़ें, जितनी बार पढ़ेंगे उतना। मान लो आपके पास अच्छा टाइम है, आपने अच्छा टाइम दिया, लेकिन अगर कोई नहीं टॉप करता है तो भी अगर वो स्रोत को अच्छे तरीके से पढ़े तो कम से कम सिलेक्ट तो हो जाएगा जेआरएफ में ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो यही यही बिल्कुल हो चीज़ें करनी जाएगा। चाहिए। अगर वो ज़्यादा स्रोत में पढ़ता है तो फिर मटेरियल को ज़्यादा नहीं, मैं प्रयागराज में था तो मेरे पास बहुत बुक्स थी, जब मैं इलाहाबाद आया तो 5 बोरी बुक वहाँ से लेकर आया था, फिर बाद में पता चला कि इन सब की ज़रूरत नहीं है, बेसिक पढ़ो आप, एनसीईआरटी पढ़ो, यूपीएससी की बात मैं कर रहा तब। तो ये चीज़ें होती हैं कि 1 2 3 स्रोत रहे, लेकिन बेहतर रहे। तो आपके घर वाले सब एकदम खुश हैं? जी सर, मम्मी पापा सब खुश हैं, भाई बहन सब बहुत, मेरी भाभी काफी खुश हैं। नहीं, मैं तो जब से सुना हूँ, मैं बाहर था और जैसे मैं पहुँचा मैं सबसे पहले तुरंत आपका इंटरव्यू करा रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि आगामी विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं, कैसे पढ़ें, कैसे उनको एक एक एज ए सीनियर आप उनको गाइड करिए। सर जो एमए के बच्चे हैं जो अभी तैयारी जस्ट शुरू कर रहे हैं, तो उनसे मेरा कहना है कि आप पहले एक बार सिलेबस अच्छे से देख लें कि क्या क्या सिलेबस में है, उसके अकॉर्डिंग आप कहानी वगैरह पढ़ना शुरू कर दें। ये सब चीजें आपको आदत भी है पढ़ने की और आपके लिए आसान भी रहेगा। इसके बाद जैसे मैंने शुरू किया था कि आप दृष्टि की बुक को पढ़ना शुरू कर दें, वो मोटी है भी, तो आप उसको धीरे 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 पढ़ते रहें, दो तीन बार उसको पढ़ें, फिर प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाएं, तो उससे आपको समझ में आएगा, फिर जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से प्रश्न बना, यहाँ से प्रश्न बना, तो फिर खुद आप अपने लिए प्रश्न डेवलप करना करना सीख जाएंगे। और उसके बाद सारे टेक्स्ट कंप्लीट करिए, बहुत सारे प्रश्न लगाइए, प्रश्न लगाना बहुत जरूरी है, मैंने भी काफी प्रश्न लगाए थे जिस वजह से मेरा चयन हो पाया, अच्छे से हो पाया, तो इस तरह से अपनी तैयारी को आगे ले जाएं। टेक्स्ट पढ़ना इस समय के एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो टेक्स्ट को छोड़ देते हैं या छोटी छोटी नोट्स में पढ़ लेते हैं कि किसी बुक में या किसी मतलब नोट से, कोचिंग नोट से पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, लेकिन पहले आप एक बार मूल पढ़ लें, जब आप मूल पढ़ लेंगे तो आपको वो जो छोटी हाँ, नोट्स देखो है वो इसी समझ में आने इसी में मैं एक लगेगी। संशोधन करूँगा। मैं लोगों से बोलता हूँ कि बहुत लोगों के पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है जी वो, सर, लेकिन मैं फिर भी जैसे आपने कहा ना, एक बार ज़रूर पढ़ लें। तो मैं ये बोलता हूँ, अगर आप पूरा ना पढ़ पाएँ तो कब गोदान पढ़ना है तो आप कम से कम स्टार्टिंग अगर 20% पढ़ लिया, लास्ट का 20% पढ़ लिया, तो आपके माइंड में थीम बन जाएगी, गोबर का क्या रोल है, मेहता का क्या रोल है ना। लेकिन पढ़ें जरूर, जब तक आप उसे पढ़ेंगे नहीं तब तक शॉर्ट नोट्स भी आपके काम नहीं आएगा, पात्र ही नहीं याद लेकिन होंगे जब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो एक केवल बार तो तथ्य जरूर पढ़ें। रटना, जी सर, केवल तथ्य रटना बहुत कठिन होता है कि आपके पास फ्रेम नहीं है और आप सिर्फ लाइनें रटे जा रहे हैं, नहीं हो पाता है लाइन रटना। वो याद भी जब तक नहीं होता आपके है। पास, जी सर, जब तक आपके पास एक खाका नहीं होगा तब तक आप उसमें कुछ भर नहीं पाएंगे। मेरा यही मानना है कि पहले आप तैयार कर लें थोड़ा सा खाका, उसके बाद आप तथ्य पढ़ें, तब आपको याद भी होगा तब तथ्य। आपको याद होगा, जैसे आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, मैलाचल क्या है, उसकी कथा वस्तु से लेके अंत तक,
ये तभी तैयार होगा जब एक बार आप उसे भले सरसरी नजर से पढ़ लें, लेकिन पढ़ जरूर लें, तब आपको तथ्य भी याद रहेगा। अच्छा, इतने पात्र हैं, अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, सारे पात्र मिक्स हो जाएंगे, तभी लोगों को समझ नहीं आता कि नथु किसका पात्र है, तमस का पात्र है कि अमृतसर आ गया, समझ ही नहीं आता। कई लोग ये भी नहीं समझते कि कहानी है उपन्यास है, ये भी कन्फ्यूजन होता है, वो प्री स्टेज होता है। तो पहले आपने बहुत बड़ी बात कही कि सिलेबस को रट लीजिए, सिलेबस आपको याद होना चाहिए, कितनी कविताएं हैं, कितने नाटक हैं, कितने उपन्यास हैं, ये टॉपिक आपको रटा, इसको 5-7 बार 10 बार लिख लेना चाहिए। मैं जब पढ़ाता था शुरुआत में, तो मैं सिलेबस को वहीं बोर्ड के सामने लिख के चिपका के रखता था, कई चीज़ें नहीं पढ़ा उसमें देख लेता, जैसे ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो सामने मेरे पूरा सिलेबस एक एक पेज हैंड रिटन लिखा हुआ होता था। तो ये बहुत अच्छी बात है रोशनी, और आपको बहुत बहुत बधाई। मैं प्रयागराज आऊँगा तो आप लोगों से सबसे मिलूँगा, मुझे बहुत गर्व है कि आपने हिंदी में इतना अच्छा मुकाम किया, और मैं कुछ बेहतर गिफ्ट आपके लिए सोचूंगा और प्रयागराज तक पहुंचाऊंगा। अगर मैं आ पाया तो ठीक है, नहीं आ पाया तो मैं ज़रूर भेजूंगा, क्योंकि साहित्य ही हम लोगों को दे रहा है। एक बात बताइए, आज मेरा रोजगार क्या है? हिंदी साहित्य। आपका रोजगार क्या है? हिंदी साहित्य। तुलसी बाबा ने रामचरित मानस लिखा, कितने लोग कथावाचक बन के उसी मानस का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग जैसे वो लोग तुलसी बाबा की रीढ़ी हैं, वैसे हम लोग साहित्य की रीढ़ी हैं भाई, हमारी तो यही पूंजी है ना। लोग कहते हैं रोजी रोटी है, भाई आप रोजगार हो रहे हो, हम रोजगार हो रहे हैं, तो साहित्य के लिए हम कुछ कर पाएं इस रोजगार के साथ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और साहित्य मानवता को सिखाता है, अगर जो सच में साहित्य का टीचर हो गया वो एक बेहतरीन इंसान भी होता है। तो आप लोग एक बेहतरीन इंसान बने, और मुझे बहुत प्राउड है आपके गार्जियन के ऊपर भी कि आप इतनी अच्छी विद्यार्थी रही हैं। कल मैं गुरु जी के पास गया था तो आचार्य रामचंद्र दास को भी आपकी फ़ोटो दिखाया, मैं वहीं बैठा था, मैंने कहा भैया देखिए युवराज जी, ये अपने प्रयागराज की छात्रा हैं और इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, उन्होंने देखा, अब जब इंटरव्यू आएगा तो मैं भेजूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई, और खूब आगे बढ़ो, अब और आगे बढ़ो और अच्छा कर सको, बाकी जो मेरा सहयोग होगा मैं हमेशा तत्पर खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। सर एक बात और कहना चाहेंगे कि जब मैंने पिछली बार सचिव शुक्ला मैम का इंटरव्यू देखा था तो मेरे मन में भी कहीं ये था कि काश मैं भी टॉप करूँ तो आपसे ऐसे बात हो सके, क्योंकि आपको भी मैंने बस यूट्यूब पे देखा था, कभी सामने से बात नहीं हुई। यूट्यूब के थ्रू जब आप पेपर सॉल्विंग वगैरह करवाते थे तो मैं उसे देखती थी, तो मेरे मन में था कि मैं भी आपको इंटरव्यू दे पाऊँ, तो आज मेरी भी अभी अभी मैं हो था नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरी बात इनसे हुई नहीं, तो ऑफिस वाले फ़ोन पे जैसे मुझे पता चला कि हिंदी में 86, मैंने कहा भाई तुरंत बात कराओ, जबकि मैं बाहर था। तो फिर मैंने बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग एक मतलब मान सम्मान को इतना बढ़ा देते हो, और यही धर्म भी होता है कि कहते हैं ना कि अपने परिवार को कुल को आगे बढ़ाना। आपने जो हासिल किया है ये छोटी बात नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पूरे भारत के विद्यार्थी बैठते हैं हर एक यूनिवर्सिटी से, वहाँ आपने जो मुकाम हासिल किया है शायद आपको ना पता हो, मैं बता रहा हूँ, मैं तो दिल्ली में हूँ, कि 80 के पास 81-82 तक, ये तो चलो ठीक है बहुत खींच के आता है, आज आपने जो लकीर पाई है वह अभी तक कोई नहीं पाया है, और आगे और विद्यार्थी पाए मेरी ऐसी शुभकामना है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, शुक्रिया।